वालेकुम मैं हूं इंजीनियर असद मुगल आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे वाला धागा नहीं उठाती या चलते चलते टांका मिस कर देती है तो इस मसले का क्या हल है सबसे पहले आपने पेचकस की मदद से ये इसका कवर खोल लेना है यहाँ पे इसका पेच लगा हुआ है पेज को खोलने के बाद आप इसका यह कवर उतार लेंगे ये मसला आम तौर पर सुई की वजह से होता है क्योंकि सुई उस पॉइंट पर पहुंच नहीं पाती जहां से उसने धागा उठाना होता है और दूसरा शटल की वजह से ये मसला आता है क्योंकि शटल ने ऊपर वाले धागे के साथ नीचे वाला धागा कोरोना होता है इस शटल की वजह से भी ये मसला आता है तो आज की वीडियो में हम दोनों तरीकों से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे सुई के कलम्प को खोलने के बाद आपने ये जो सुई की चिपटी साइड है इसको गज के साथ रख के दोबारा टाइट करना है गज़ के ऊपर एक छोटा सा पेज लगा होगा जो सुई की लिमिट सेट करता है आपने सुई को पेज के साथ बिल्कुल अटैच करके तो टाइट करना है यानी कि सुई जितना ऊपर हो सकती है आपने उतना ऊपर इसको करके टाइट करना है तो जल्दी जल्दी से हम इस सुई को लगा लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो को पूरा देखिएगा कहीं से स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके अब हमें चाहिए एक छोटा पेशकश यहाँ आपके घर में टेस्टर है तो आप इस मकसद के लिए टेस्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन के व्हील को घुमा के आपने गज़ को फुल नीचे ले आना है गज़ के सामने वाली साइड पे आपको सुराख नजर आएगा यहाँ से आपने टेस्टर को डालकर तो इसका गज़ का जो पेज होता है उसको आपने ढीला कर लेना है अब हम गज़ के साथ सुई की सेटिंग करेंगे कि वो नीचे वाला धागा बा आसानी ऊपर ले जा सके इसकी सेटिंग करने के लिए हमें नीचे जो शटल होता है इसका उस पर नज़र रखनी पड़ेगी व्हील को घुमाकर गज़ को आपने जितना नीचे आ सकता है नीचे ले के आना है जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको सुई नज़र आ रही है सुई का जो सुराख होता है जिसमें धागा डालते हैं वो इस केसिंग का जो सुराह है इसमें से साफ़ तौर पर नज़र आना चाहिए बस दफ़ा इस तरह होता है कि सुई नीचे तो ठीक होती है पर जो उसका सुराह है उसका मुंह दाएं बाएं जाने होता है तो आपने ये जो मुंह है सुई का जो सुराह का मुंह है वो बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए ये आप देख सकते हैं ये केसिंग का होल है और सुई का जो सुराह है होल है वो बिल्कुल इसकी सीध में होना चाहिए ये ए अलाइन होने चाहिए बिल्कुल दोनों आपने इस तरह ये जो गज़ है इसको दाएं बाएं करके देखें जहाँ पे ये अलाइन होता है बिल्कुल एक सिमत में आता है वहाँ पे आपने इसको रख कर तो सेट करना है ये आप देख सकते हैं कि मशीन को घुमाए बगैर मैं गज़ को ऊपर नीचे और घुमा कर भी देख सकता हूँ जो हमने इसका पेच ढीला किया था गज़ का ये उसकी वजह से गज ऊपर नीचे जो है ना हो सकता है तो आपने भी पेज को ढीला कर लेना है जितना भी ये हो सके ताकि आपका गज़ अच्छे तरीके से मूव कर सके अगर ये अगर ये आपका गज़ मूव नहीं कर रहा है इस तरह तो आपने वो पेज को ज़्यादा ढीला कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मूव कर सके तो आपने भी इसको पूरी एक सेध में ला के अलाइन करके तो गज़ को ऐसे नीचे ले आना है ताकि जो सुई है हमारी उसका होल और ये जो केसिंग है शटल की केसिंग है इसका होल जो है बिल्कुल अलाइन हो जाए आपस में आमने सामने आ जाए सुई को ज़्यादा भी नीचे नहीं कर देना आपने ये देख लेना है कि सुई जो है आप नीचे फिंगर रख के भी देख सकते हैं कि फिंगर को हल्की हल्की सुई टच करनी चाहिए बस इतनी को आप नीचे ले आए तो यहाँ पे ला के आप इसका जो पेच है ऊपर वाला गज़ का पेच है उसको टाइट कर दें ताकि गज़ अपनी जगह फिक्स हो जाए पेच को आप अच्छी तरीके से टाइट करें ज़्यादा टाइट करेंगे तो पेज का जो मुंह है वो ख़राब होने का खदशा होता है तो आपने इसको मुनासब अंदाज़ में टाइट कर देना है तो यहाँ पे मैं इसको टाइट कर देता हूँ हमारे ये गज़ की सेटिंग हो चुकी है मशीन के धागा ना उठाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो शटल की ख़राबी होती है गज़ की सेटिंग तो बाद मशीनों में ठीक होती है मगर शटल में मसला होता है तो मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है धागा ना उठाने का वो शटल में ही आता है तो अब हम देखेंगे शटल में क्या मसला आता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अच्छी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको खुद देख सकें कि सुई की पोजीशन किस तरह होनी चाहिए इसके बाद आपको ये दो पेज नज़र आ रहे हैं शटल के पेज हैं इसकी केसिंग है शटल की केसिंग पहले खोल लेंगे हम स्क्रू ड्राइवर का की मदद से हम ये दो पेज खोल लेंगे इन पेचों को खोलने के बाद आपने इस केसिंग को बाहर की तरफ़ धकेलना है और साथ ही मशीन को हल्का हल्का घुमाना है ताकि ये केसिंग और शटल बाहर आ सके केसिंग को बाहर की तरफ धकेलने और साथ ही इसको हल्का हल्का घुमाएंगे तो ये केसिंग और शटल बाहर आ जाएगा ये थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए ये देखें जी ये हमारी केसिंग और शटल बाहर आ गया है ये जो अंदर ये पार्ट घूमता है इसका इसको शटल बोलते हैं तो इसको हमने निकाल लेना है बाहर यहाँ से पकड़ के इसको घुमा के तो आप इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे इसको तो ये मैं आपके सामने ये देखें जी ये बाहर आ चुका है और जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे इसकी ये टिप नज़र आ रही है आपको ये ये देखें जी ये एक शार्प टिप है इसकी ये मैं आपको पास ला दिखाता हूँ ये देखें आपने इसको चेक करना है कि ये बिल्कुल शार्प होनी चाहिए क्योंकि यही जो है टिप ये धागे को पकड़ती है अगर ये जो टिप है ये शार्प नहीं होगी नोकदार नहीं होगी तो ये धागे को कभी भी कैच नहीं कर सकेगी तो आपने इसको फिंगर की मदद से चेक करना है कि ये जो है बिल्कुल शार्प आगे से इसकी बिल्कुल तीखी नोक बनी होनी चाहिए अगर ये नोक नहीं बनी तो आपने इसको सैंड पेपर की मदद से या रेती की मदद से इसको आपने इसकी नोक बनानी है अगर आपके पास रेती भी नहीं है सेंड पेपर भी नहीं है तो आप ये जो नाहुन तराश होता है नेल कटर इसकी रेती भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेती भी होती है इसकी रेती को इतनी ख़ास तेज़ नहीं होती अगर आपके पास सेंड पेपर बारीक सैंड पेपर है तो वो बेहतर है तो उससे आप इसको इसकी जो तीखी नोक बना सकते हैं यहाँ पे मैं आपके सामने इसको रगड़ता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए अगर आपके घर में छुरीों को तेज़ करने वाला स्टोन मौजूद है तो आप उसकी मदद से भी इसकी नोक बना सकते हैं तो खैर आपने बस इसकी नोक बनानी है जिससे मर्ज़ी बना लें इसको तेज़ करना है तो ये देख लें मैं आपके सामने इसको नेल कटर की रेती की मदद से तेज़ कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि इसकी नोक तीखी हो चुकी है ये पहले भी ठीक थी मगर मैंने कहा चलो आपको समझाने के लिए इसको मज़ीद तेज़ कर देता हूँ आपने इसकी नोक बनाने के बाद इसको दोबारा इसकी केसिंग में फिट करना है इसको रोटेटिंग हुक भी कहते हैं यही हुक जो है वो टांका लगाती है और नीचे वाले धागे को ऊपर वाले धागे के अंदर परोती है इस लिहाज से इसका बहुत अहम रोल है पूरे सिलाई मशीन की वर्किंग में तो इसको बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए अगर ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है तो आप इसको बाहर सान के ऊपर तेज़ करवाएंगे जहाँ से ये छरियाँ वगैरह तेज़ होती हैं वहाँ से भी इसकी टिप बनवा सकते हैं आप अगर इसकी टिप या हुक टूट चुकी है तो फिर आपको ये नया शटल डालना पड़ेगा टिप को ठीक करने के बाद आपने ये जो केसिंग है शटल की केसिंग है इसकी भी सफाई कर लेनी है क्योंकि आपने शटल तो खोला ही हुआ है तो आप इसकी भी सफाई कर लें यहाँ पे ये जो स्क्रू नज़र आ रहे हैं पेच नज़र आ रहे हैं इनको भी टाइट कर लें और भी कहीं दागे शागे या मैल कचैल नज़र आ रही है तो उसकी भी आप मुकम्मल सफाई कर लें शटल की मुकम्मल सर्विस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं तो हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं अब आपने शटल को या रोटेटिंग हुक को केसिंग के अंदर डाल के वापस इसकी पोजीशन में लगाना है तो यहाँ पे लगाते वक्त आपने हल्का हल्का मशीन को साथ घुमाना है घुमाने के साथ ही आपकी ये फिटिंग बैठ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के ये केसिंग और शटल को मैंने ऊपर रख के मशीन को हल्का हल्का घुमाया है तो ये अपनी पोजीशन पे आके अपनी जगह पे आके केसिंग बैठ जाएगी जब आपको लगेगा कि ये अपनी जगह पे बैठ गई है तो आपने हल्का सा मशीन को पूरा एक चक्कर घुमाना है आप हाथ से ही वैसे ही घुमाएँ ताकि आपको पता चल जाए कि यह ठीक से लग चुका है कि नहीं अगर मशीन पूरा एक चक्कर घूम जाती है यानी कि सुई नीचे तक चली जाती है तो आपका ये शटल और केसिंग बिल्कुल ठीक बैठ गया है अगर ये नीचे नहीं जाती सुई कहीं पे जाके अटक जाती है तो आप इसको दोबारा निकाल कर शटल को दूसरी सिमत में ला फिर इसको लगाने की कोशिश करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के हमारी केसिंग फिट हो चुकी है पेच लगाने से पहले आपने मशीन को पूरा चला कर देखना है कि ये बिल्कुल ठीक बैठी है कि नहीं बैठी ये ना हो कि आप पेच लगा लें और बाद में आपको पता चले कि फिटिंग तो ठीक हुई नहीं तो यहाँ पे आप करके इसको इसके दोनों स्क्रू पेच जो हैं वो अपनी पोजीशन पर लगा दें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपके जहन में कोई सवालत हैं या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप का कोई भी मसला है सिलाई मशीन के बारे में तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें मैं इन वक्त जवाब दूँगा और उस मसले के मतलब वीडियो भी बना दूँगा मिलेंगे इन शाला एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़